सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट जो है हम सब लोगों के अंदर आती जा रही है। बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट क्यों आती जा रही है? बिकॉज हम सब लोगों को पता है कि हम सब लोगों का एक एक घंटा, एक एक दिन, एक एक मिनट जो है ना, वो बहुत 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 ज्यादा महत्वपूर्ण होता जा रहा है। अभी आज 19 तारीख है, 19 अक्टूबर है और 20 नवंबर आने में मात्र एक महीना रह गया है। अगर हम देखें तो मात्र 30-31 दिन हमारे पास रह गए हों और इस 30-31 दिन के अंदर अंदर, 30-31 दिन के अंदर अंदर हमें बहुत बड़े बड़े सरप्राइज यहां पे मिलने वाले हैं। सरप्राइज, जी हाँ। बहुत सारे लोग अभी कमेंट करते हैं वीडियोस के नीचे कि सर कंपनी लॉन्च कब हो रही है, कंपनी जो है ओ कनेक्ट कब लेके आ रही है, ये प्रोडक्ट कब आ रहा है वगैरह वगैरह, हमारी इनकम कब आने वाली है। ये सारे के सारे सवाल आपको क्यों ऐसा लगता है कि सिर्फ और सिर्फ आपके ही मन में आते हैं? आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये जो सवाल आते हैं वो आपके मन में क्यों आते हैं? क्या ये हमारे मन में नहीं आते हैं? क्या और भी बहुत सारे लोग आज जो ऑन पैसेप के अंदर हैं, बहुत ही डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हैं, डेडिकेशन के साथ आपको जो है वीडियोस बना करके भी बहुत ही सारी बातें समझाते हैं, क्या ये उनके मन में बातें नहीं आती हैं? क्या उनका परिवार नहीं है, या उनका जो है खर्चा नहीं है, या उनका ऐसा कोई काम नहीं है जिसके लिए पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी? पैसे की जरूरत हर इंसान को है। तो जो हमारे पास जो एक महीना है, ये एक महीना बहुत बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट से भरा हुआ है। और मैं आपको एक चीज और बता देना चाहता हूं, अगर आप ऑन पैसेप के अंदर हैं, जी हाँ, अगर आप ऑन पैसेप के अंदर हैं, तो आपके अंदर एक्साइटमेंट की कमी नहीं होनी चाहिए। जैसे कि मुंबई के सेमिनार के अंदर जितने जितने बहुत सारे लोग थे, वो क्या कह रहे थे, फायर 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 इस टाइप से बोल रहे थे। वो क्या है, वो एक एक्साइटमेंट ही तो है। एक्साइटमेंट है, जोश जुनून पागलपन। हमारे जो दिनेश कोटियान सर का एक बहुत बड़ा एक डायलॉग है, जोश जुनून पागलपन की जो मिसाल बनाते हैं, मिसाल है वो, तो है ना, ऐसा हमारे अंदर एक जज्बा होना चाहिए। तो हमारे पास जो एक महीना रह गया है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस एक महीने के अंदर हमें बहुत 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 कुछ यहाँ पे मिलने वाला है और हमें, मुझे बहुत पूरा का पूरा भरोसा नहीं है, पूरा का पूरा बिलीफ सिस्टम मेरा यहाँ पे है, पूरा विश्वास मेरा ऑन पैसेप के ऊपर है कि इस एक महीने के अंदर हम जिन चीजों का वेट कर रहे हैं, जिन चीजों का इंतजार कर रहे हैं, बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, वो यहाँ पे हम सबको मिलने वाली है। बिल्कुल इसी एक महीने के अंदर अंदर आपकी सारे के सारे सवालों के जवाब इस एक महीने के अंदर अंदर मिलने वाले हैं। और 20 नवंबर यानी कि वर्ल्ड कप से पहले एस मुफारे सर को बहुत बड़े बड़े काम यहाँ पे कर देने हैं, क्योंकि मार्केटिंग कैंपेनिंग में बहुत कुछ उनको, जब मार्केटिंग कैंपेनिंग होगी तो इतना बड़ा ट्रैफिक जब वो हमारे ऑन पैसे को देखेगा तो वो क्या सर्च नहीं करेगा? बहुत कुछ सर्च मारेगा, बहुत कुछ हुआ, गूगल पे जाएगा, यहां जाएगा, वहां जाएगा, वो सब कुछ सर्च मारेगा। अगर उसको, जैसे बहुत सारे नए लोग भी वहां पे होंगे जो ऑन पैसे को जो पहली बार देख रहे होंगे, तो ऑन पैसे को वर्ल्ड को पहली बार सुनने वाले होंगे, बहुत कुछ यहां पे लोग सर्च मारने वाले हैं। तो 20 अक्टूबर से लेकर के 20 नवंबर के बीच का जो समय है ना, आपके अंदर जोश जुनून की जो है कमी नहीं होनी चाहिए। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये सभी दिन। हमारा जो ओ कनेक्ट है, एस मुफारे सर हमसे कई बार अपने पिछले वेबिनार के अंदर कह चुके हैं कि हमारा जो ओ कनेक्ट है पूरी तरीके से रेडी है, आप क्यों फिक्र कर रहे हो, आप क्यों फिक्र कर रहे हो। आपका जब घर बनकर तैयार हो जाता है, आप जब अपना नया घर बनाते हो, तो आप ये नहीं है कि आज सब कुछ हो गया, क्लियर हो गया, अब आपका घर बनकर तैयार हो गया और आप कल से ही उसमें रहने चले जाते हो। नहीं, आप एक अच्छे मुहूर्त का इंतजार करते हो, आप पंडित जी के पास जाते हो, वहां जाके आप पत्रिका दिखवाते हो, उसके बाद पंडित जी से पूछते हो कि कौन से दिन, कौन सी तिथि को, कौन से डेट में, या कौन से दिन जो है हमें गृह प्रवेश करना चाहिए, तो उसी दिन ही जो है आप जाते हो, पूजा पाठ भी होती है, हवन भी होता है, सब कुछ होता है। बिल्कुल उसी प्रकार से एस मुफारे सर को भी यहां पर एक सही टाइम का इंतजार है, सही टाइम का इंतजार कर रहे हैं। जब तक वो सही समय नहीं, उनको अलग लगता है कि नहीं ये सही समय नहीं है, वो हम सब लोगों के सामने ओ कनेक्ट को लेके नहीं आ सकते। और डायरेक्टली अगर हमारे सामने अगर लॉन्च होके अभी जाएगा तो क्या परेशानी, जब बन के रेडी हो चुका है तो बहुत अच्छी बात है, हम सब लोगों को खुशी की बात है। जिस दिन हमारा कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में आएगा, मैं गारंटी की बात हूं, मैं सेलिब्रेट करने वाला हूं, मैं लड्डू बांटने वाला हूं मोहल्ले के अंदर। जी हाँ, अपने जितने भी मेरे आसपास जितने भी फाउंडर्स रहते हैं, ठीक है, हम सब आपस में मिलकर के एक बहुत बड़ा जश्न मनाने वाले हैं। ये पहले से ही हमारी तैयारी हो चुकी है। आपको भी ऐसी प्लानिंग करनी चाहिए, आपको भी अपने अंदर से जब आप ये प्लानिंग करते हैं तो आपका एक भरोसा और ज्यादा दोगुना हो जाता है, बिलीफ सिस्टम और ज्यादा दोगुना हो जाता है।
अभी एस मुफारिस सर ने क्या कहा था, बहुत सारी हमारी ऐसी ऐसी चीजें आने वाली हैं जिसके बारे में आपको पता ही नहीं है और ना ही उन्होंने कभी जिक्र किया था। आने वाले टाइम के अंदर ऐसे ऐसे कुछ प्रोडक्ट भी हो सकते हैं, टूल हो सकते हैं जिनके बारे में हमें पता भी नहीं है और वो अचानक से ब्लास्ट हो जाएगा। मुंबई के इवेंट में उन्होंने ओप्ले का जब नाम लिया था तो आज तक क्या किसी को पता था कि ओप्ले क्या है? जब उन्होंने बताया कि ओप्ले ऐसे ऐसे काम करने वाला, हमारा एक टूल आने वाला है जो कि पूरी दुनिया के लोगों को एक नई दिशा देगा, पूरी दुनिया के लोगों को जो है बदल के रख देगा और यहाँ पे बहुत सारे लोग की अगर टाइम पास भी करना चाहते हैं तब भी उनको फायदा होने वाला है। तो बताइए ऐसे ऐसे बहुत सारे टूल्स हमारे आने वाले हैं, तो थोड़ा जस्ट वेट, कूल डाउन, जस्ट चिल, आपको बहुत कुछ यहाँ पे मिलने वाला है। बस नेगेटिव जो लोग होते हैं ना, जो अभी अभी कल परसों आए, जिनको ऑनपेसिक के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, तो कहीं ना कहीं उनके माइंड में ये खुराफाती बातें जो है आती रहती हैं। उसके बाद बहुत सारे और भी ऐसे प्रोडक्ट होंगे जो हमारे पाइपलाइन में लगे हैं, जो कि हमें जिनके बारे में पता नहीं है, वो भी रेडी हो चुके हैं, तो वो भी हमारे पास आने वाले हैं। इसके अलावा मैं आपको एक चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो बता देना चाहता हूं लास्ट में। ऐसी वीडियोस जिनका थंबनेल कुछ और है और जिनका अंदर मैटर कुछ और है, डिफरेंट थंबनेल यानी कि डिफरेंट कंटेंट, ठीक है, ऐसी वीडियो से आप बच के रहें, बिल्कुल ऐसी वीडियो से आप बच के रहें, डिफरेंट कंटेंट एंड डिफरेंट थंबनेल, क्योंकि ये यही जो कुछ लोग होते हैं ना, यही बहुत सारे फाउंडर्स के मन में सवाल खड़ा करते हैं और इसके अलावा कोई नहीं है। नेगेटिव तो ऑन पैसेज के अंदर अगर आप एक नेगेटिव चीज भी अगर आप खोजने निकलेंगे ना तो आपको एक सुई भी नहीं मिलने वाली नेगेटिव। जी हाँ, नेगेटिव नाम का तो इसके अंदर कोई वर्ड ही नहीं है, क्योंकि बहुत दिल से इस ऑन पैसेज को बनाया जा रहा है, आप सब लोगों की, हम सब लोगों की लाइफ को चेंज करने के लिए बनाया जा रहा है और इस इंटरनेट की दुनिया को बदलने के लिए ही इस ऑन पैसेज को बनाया जा रहा है। आने वाले टाइम के अंदर आपको पता है कि जनरेशन कितनी तेज होने वाली है हम सब लोगों की, जो चीजें हमने अपने पिछले 15 सालों के बाद सीखी थी, है ना, 15 सालों के बाद, 20 सालों के बाद सीखी थी, जब हमारी उम्र 15 साल 20 साल हो गई थी, आज के बच्चे पता है वो 5 साल में सीख लेते हैं, 10 साल में सीख लेते हैं सारे के सारे बच्चे। तो आप सोचिए कि आने वाली जो जनरेशन होने वाली है वो कितनी हार्ड एंड फास्ट होने वाली है, इसलिए इस इंटरनेट की दुनिया को बहुत ज्यादा नीट एंड क्लीन बनाना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। कोई ना कोई तो आएगा मार्केट में उतर के जिसको ये सब कुछ जिम्मा उठाना पड़ेगा, तो ऑन पैसिव ने ये सारी जिम्मेदारी उठा ली है। तो मार्केटिंग कैंपेनिंग जो है बहुत तेजी से चल रही है ताकि आपके पास कस्टमर बहुत तेजी से आ पाए। अभी आपने पॉपअप देखा होगा जिसमें प्रिंट मीडिया और बहुत सारे जो है ऑनलाइन मीडिया, इस टाइप के बहुत सारे ऑप्शंस एस मुफारिस ने डाले थे, जिसमें क्या था, इसमें बहुत सारे ऑनलाइन पोर्टल थे न्यूज के, जिसमें और दूसरी साइड में क्या थे, बहुत सारे ऑफलाइन पोर्टल भी थे न्यूज के, मैगजीन्स के। तो अभी मार्केटिंग कैंपेनिंग दुबई में तो ऑलरेडी चल रही है, तो यहां पे हम सब लोगों को पेशेंस रखने की जरूरत है, आप लोगों को ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत है नहीं है। हाँ, लास्ट में एक बात और कहूंगा, नेगेटिव नाम की यहां पर एक धागा भी नहीं है, एक सुई भी नहीं है यहां पे, बस आप इतना माइंड से निकाल दो, बिल्कुल हम सब लोग एक रियल प्लेटफॉर्म पे हैं। ओके, तो थैंक यू सो मच हमारे इस वीडियो को देखने के लिए, पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को अपने नए फाउंडर के पास आप जरूर भेज सकते हैं जो सबसे ज्यादा नेगेटिव जो हो जाते हैं। कभी कभी होता है ऐसा समय आ जाता है जबकि कोई व्यक्ति है, भाई आप भी एक इंसान हूं, मैं भी एक इंसान हूं, कभी कभी मेरे माइंड में भी जो है कभी कभी नेगेटिव थॉट्स जो है एक आक्रमण कर देते हैं, लेकिन मैं उनको आक्रमण करने नहीं देता हूं क्योंकि पॉजिटिव का जो है ना एक दबाव ज्यादा बना रहता है मेरे माइंड के ऊपर, इसलिए नेगेटिव चीजें मेरे ऊपर ज्यादा हावी नहीं हो पाती हैं। सो आप बस उन लोगों को आप ये वीडियो जरूर शेयर करिए, बिकॉज क्योंकि उनके लिए पॉजिटिविटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, वी आर इन इट टू विन इट।